सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप इस वीडियो में ढूंढ रहे हो हार्ले डेविडसन X440 के शॉर्ट्स, पैन शॉर्ट्स, जूम, क्लोजअप शॉर्ट्स और ये सब चीजें अगर आप देख रहे हो और बाइक चलाते हुए देख रहे हो हाईवेज पे, पहाड़ों पे, ऊपर नीचे, ऑफ रोडिंग सब कुछ, तो वो सब इसमें नहीं होगा। क्योंकि कंपनी ने बहुत से लोगों को इनवाइट करके उनको बाइक्स दे दी थी, उन्होंने सब कुछ आपको बता ही दिया है, सब कुछ सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। मेरे को लगा कुछ चीज़ें हट के इस बारे में बात करूं, इस बाइक के बारे में। अगर आप वो चीज़ सुनना चाहते हो मेरे साथ तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो शायद आपको मज़ा ना आए, बट स्टिल ट्राई कर लो, क्या पता मज़ा आ जाए। हार्ले डेविडसन, नाम तो सुना ही होगा। ये सीन मैंने वीस्टोन 250 में भी डाला था। क्यों डाला था? सीन ही ऐसा है इस मूवी में, ये सीन ही ऐसा है। जब भी इस मूवी को, अगर आपने नहीं देखा है टर्मिनेटर 2, तो आप ये सब छोड़ो, मेरा वीडियो सब छोड़ो, आप संन्यास ले लो, आप केदारनाथ की यात्रा पे निकल लो, या फिर ये मूवी देख लो। सो बेसिकली एक आइकॉनिक पिक्चर है टर्मिनेटर 2 आर्नोल्ड की। और ये सीन नहीं, मतलब जब भी इस मूवी में हार्ले डेविडसन पे आर्नोल्ड बैठा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों की ज़्यादा नज़र ना बाइक पे ही गई है, वरना तो पूरी पिक्चर में आर्नोल्ड ही आर्नोल्ड है, पर जब भी वो आर्नोल्ड हार्ले डेविडसन वाली बाइक के ऊपर बैठा है तो लोगों की नज़र उस पर गई है, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। हार्ले डेविडसन, इंडिया में हर कोई जानता है हार्ले डेविडसन। आप गांवों में भी चले जाओगे ना, हार्ले डेविडसन अगर बोलोगे, हाँ मोटरसाइकिल आती है एक, है मतलब एक महंगी सी मोटरसाइकिल है, हर कोई हार्ले डेविडसन के बारे में जानता है कि हाँ ये एक मोटरसाइकिल है, महंगी मोटरसाइकिल है, अमीरों की मोटरसाइकिल है। उनको ये बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ की कंपनी है, कौन सी है, क्या करती है, कुछ डिटेल, मतलब कुछ नहीं पता है, बस ये पता है बाइक है हार्ले डेविडसन। और ऐसी एक और ब्रांड है इंडिया में, कावासाकी निंजा। कोई से भी कावासाकी देखो, मुंह से निकलता है निंजा, तो ब्रांड ही ऐसी बनी हुई है। और इंडिया में हार्ले डेविडसन का नाम सभी ने सुना था, पर ले नहीं पाते थे लोग, बस यू नो सुन के ही स्वाद आ जाता था, मतलब वो वाली बात थी। मतलब लोगों का एक सपना होता था कि, मतलब सपना भी समझ लो, बस ये होता था कि यार मतलब हार्ले डेविडसन अगर होती तो क्या बात होती, यू नो मतलब जब अमीरों की डेफिनेशन दी जाती होगी तो शायद हार्ले डेविडसन बोला जाता होगा। ऐसी गाड़ियों में अलग चीज़ें हैं, पर बाइक में शायद ये बोला जाता है। पर अब दुनिया बदल गई है और हार्ले डेविडसन आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक सस्ती टिकाऊ बाइक लॉन्च करी है, हार्ले डेविडसन X440। 2.3 से आई थिंक ये स्टार्ट होती है और 2.7 लाख तक तीन मॉडल हैं इसके। सबसे बेस मॉडल में आई थिंक और टॉप मॉडल में जो अंतर है वो कलर का अंतर है, मतलब कि टू शेड या सिंगल शेड्स कलर्स का अंतर है। और जो उसके व्हील हैं वो मतलब कि अलॉय व्हील्स हैं, स्पोक व्हील्स हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, उसमें अंतर है बेसिकली। और जो टॉप मॉडल है उसमें एक कनेक्टिविटी वाला फीचर भी आता है जो ऐप से आपका कनेक्ट हो जाता है। सो थोड़े बहुत अंतर हैं, पर मोटे तौर पर जो इंजन है वो सेम ही है तीनों में। और क्या मैंने अभी ये बोला कि हार्ले डेविडसन आपका सपना पूरा करने के लिए सस्ती बाइक लॉन्च करी है? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है पर ऐसा ही नहीं है। आपके सपनों को ही सिर्फ पूरा करने के लिए नहीं, हार्ले डेविडसन ने इंडिया में अपना वजूद बचाने के लिए हीरो के साथ कोलैब करके ये एक सस्ती बाइक निकाली है। यूट्यूब से घर नहीं चलता, नौकरी तो करनी पड़ती है, मतलब महंगी बाइकों से कंपनी नहीं चलेगी इंडिया में, सस्ती बाइक तो लॉन्च करनी पड़ेगी आपको, जो आप मासेस में खेल सकते हो, ज़्यादा लोगों में खेल सकते हो, जो आपका ब्रेड एंड बटर होगा। पर यहीं पे ब्रांड को डाइल्यूट करने वाली बात, जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो था ट्रायम्फ 400 के ऊपर जो डिस्कशन किया था, वो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी को, जो एक ब्रांडेड कंपनी है, जो एक ब्रांड बनाती है, मतलब यू नो लग्जरी समझ लो या महंगी समझ लो, कि वो अपने कस्टमर्स के लिए किस लेवल तक की प्रोडक्ट्स लेकर आए कि जिससे कि वो नॉर्मल और जो उनके लग्जरी उसमें डाइल्यूट ना हो, मतलब जो उनकी ब्रांड है एक ही नाम से। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं कि उनकी जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, कंपनी एक ही है, वो दूसरे नाम से आ रही होती हैं, और जो उनकी थोड़ा सा लोअर लेवल की
प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे कंपनी सेम होती है पर उसकी ब्रांड बदल देते हैं, पर अगर आप सेम ही ब्रांड से खेल रहे हो तो किस लेवल तक आपको वो करना है वो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप वहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एग्जैक्टली पॉइंट क्या था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए नहीं, कंपनी को अपने लिए भी ये बाइक लेकर आया मार्केट में। और हार्ले 440X अपने ही 1200 सीसी के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है और उसी का छोटा वर्जन करके ये निकाला है। सो इसमें जो हार्ले वाली फील है मेरे हिसाब से वो है, मेरे को लगता है कि इसे देख के ना कि मतलब हार्ले लगेगी। और दूसरी जो आइकॉनिक होती है हार्ले को देख के वो उसका वी इंजन होता है, पर नेचुरली ये सिंगल सिलेंडर इंजन है और वी नहीं है, क्योंकि अगर वी होता तो बहुत महंगा होता। पर एनीवे, सो वो एक चीज़ तो नहीं है, पर ओवरऑल जो इसकी लुक है वो आपको हार्ले वाली फील देगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ना, बड़ी सीसी की जो बाइक्स होती हैं और जब कंपनी उसी का छोटा वर्जन निकाल रहे होते हैं, उसको मतलब रीसाइज करके या उसका रीडिज़ाइन करके उसी को छोटा करते हैं, तो अक्सर ना सब कुछ ख़राब कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे को अच्छे पॉइंट देने पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि ये वी इंजन नहीं है, वी डिज़ाइन इंजन नहीं है, डबल सिलेंडर इज अ सिंगल सिलेंडर इंजन, सो जो एक आइकॉनिक हार्ले की आवाज़ होती है, जैसे जब वो बुड़बुड़ 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 जो भी आवाज़ होती है हार्ले की, आपको पता है, वो इसमें नहीं मिलेगी आपको नेचुरली। और उसका रीज़न ये नहीं है कि हार्ले चाहता नहीं है, इज़ जस्ट कि वो जिस इंजन के डिज़ाइन से वो निकलती है वो इंजन इसमें है ही नहीं। पर स्टिल इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है जो मैंने पढ़ा, और काफ़ी हद तक अच्छी ग्रंट दी है कि ऐसा ना लगे कि कोई ग्रंट ही नहीं है। तो अब आवाज़ तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, किसी को अच्छी लगेगी किसी को अच्छी नहीं लगेगी, पर इन्होंने इस पर भी काम किया है कि उसकी जो साउंड नोट है वो हार्ले डेविडसन को थोड़ा जस्टिफाई करे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो है इसका इंजन। अब ये जो इंजन है ये आपको 27 BHP निकालता है 6000 RPM पे और 38 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है 4000 RPM पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ट्रायम्फ की जो बाइक थी जो भी आई है 400 में, वो तो ऑलमोस्ट 40 BHP निकाल रहा है, ये सिर्फ 27 BHP निकाल रहा है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसके इंजन के डिज़ाइन को। हार्ले की जो एक नेचर रही है क्रूज करना, रिलैक्स्ड इंजन होता है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है और हाई RPM इंजन नहीं होते हैं जो हार्ले की कैटेगरी, मतलब हार्ले के जो फीचर है, सो वही उनको उन्होंने इसमें मेंटेन करा है। और इसीलिए ये ज़्यादा रेव नहीं होती बाइक्स, इट हैज़ अ हायर टॉर्क। हायर टॉर्क से मेरा मतलब है कि 4000 RPM पे ही ये अपना पूरा टॉर्क दे देती है, 37 न्यूटन मीटर टॉर्क का। और वहीं पे अगर आप ट्रायम्फ 400 की बात करें, उसको लगता है 6500 RPM, ये 4000 RPM पे ये आपको फुल टॉर्क दे देगी। तो इसका जो स्टार्टिंग का टॉर्क है और मिड लेवल का जो टॉर्क है वो बहुत बढ़िया है, जैसे पुलिंग पावर जो होती है ना, जो आप इन फील्ड में भी फील करते हो। और हार्ले की जो बाइक्स होती हैं तो आपको पुलिंग पावर अच्छी मिलेगी, पर आपको ऐसी बाइक नहीं मिलेगी जो जिप करके भागती है। पर यह है कि जब ये रिलैक्स्ड इंजन है, जब आप इसको 80-100 पे क्रूज़ करोगे तो इसके RPM बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो रिलैक्स्ड इंजन होगा, आपको क्रूजिंग करने में मज़ा आएगा। वहीं पे कुछ इंजन ऐसे होते हैं, खासतौर से जो KTM जो हाई रेव पे चलते हैं, ठीक है, वो अपनी पावर्स हाई RPM से निकालते हैं, उसका डिज़ाइन उसी हिसाब से होता है, थोड़ा रेसिंग टाइप, यू नो, जिप करके मतलब भागना। सो वो जब क्रूज़ कर रहे होंगे आप उसको थोड़े हाई स्पीड्स पे, तो उसके रेव्स ज़्यादा तेज़ चल रहे होंगे और वो आपको उतना रिलैक्स नहीं लगेगा जो उसकी नेचर है। सो हार्ले की नेचर उन्होंने इस इंजन में भी मेंटेन करी है, दिस विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड इट विल गिव यू अ रिलैक्स्ड इंजन विद गुड थम्पिंग पावर, नॉट अ जिप लाइक अ BHP, बट इट विल गिव यू अ गुड टॉप स्पीड ऑल्सो। अब इसकी वेट की बात करते हैं, तो ये जो वेट है ये 190.5 मतलब 191-190 kg की है, विच इज़ 15 kg मोर देन ट्रायम्फ 400, 3 kg लेस देन डोमिनार 400 एंड अप्रॉक्सीमेटली 4-5 kg फ्रॉम क्लासिक 500। सो जो इसकी वेट है, अब आप फिर वही बात करोगे कि सर ये थोड़ी भारी है, ट्रायम्फ 400 थोड़ी सस्ती है। अब सस्ती कह रहा हूँ, हल्की है। अब ट्रायम्फ जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है उसका व्हील बेस भी छोटा है, वो अराउंड 1377 mm का है और इसका 1418 mm का है शायद, तो उससे बड़ा है व्हील बेस। तो ये बाइक थोड़ी लंबी है और जो ट्रायम्फ है वो थोड़ी छोटी है,
तो उस वजह से भी वेट में अंतर आ जाएगा, प्लस उसका जो डिज़ाइन है बाइक का, जिप, यू नो, ये अपनी रिलैक्स्ड बाइक है, तो दोनों में वो भी अंतर है। प्लस ये थोड़ा सा इसका सीसी ज़्यादा आई थिंक, जो उस वजह से भी थोड़ा सा वेट एडअप हुआ होगा। सो वेट इज समथिंग की परसेंट टू है, मतलब इतना ज़्यादा भी अंतर नहीं, अगर हम सिर्फ इन दोनों बाइक्स की बात कर रहे हैं, और जनरली भी ये बहुत ज़्यादा हैवी बाइक्स में नहीं आएगी। और व्हील बेस की अगर मैं, जैसे मैंने बात करी, व्हील बेस जितना लंबा होता है उतना आपका मैन्यूवर करने में आपको दिक्कत होगी, मतलब कि ये जो जिप 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 करने की, पर आपको हाईवे पे ज़्यादा स्टेबल मिलेगी बाइक। सो ये कह सकते हो कि एक हद तक 440X अगर आप 100 पे क्रूज कर रहे होगे हाईवे पे, सो आपको ट्रायम 400 से शायद इसमें ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा प्लांटेड लगे रादर देन ट्रायम 400। बट देन अगेन बोथ हैव अ डिफरेंट नेचर। जब आप उसको बाइक को ट्रायम 400 को भीड़ भाड़ में से निकाल रहे होंगे तो आपको शायद वो 440X से मच बेटर फील कराए। हार्ले डेविडसन कंपनी क्लेम करती है वेबसाइट पे 35 किलोमीटर प्रति लीटर, जो मेरे को लगता है अगर आप तमीज़ से चलाओगे तो आपको दे देगी ये बाइक, शायद ज़्यादा भी निकाल लो पर उतनी ज़्यादा तमीज़ से आप चला नहीं पाओगे, पर जनरली मेरे को लगता है इतना आप निकाल लोगे। वहीं पे अगर हम ट्रायम 400 की बात करें, उन्होंने की वेबसाइट पे कहीं भी कंपनी ने कोई एवरेज की बात नहीं करी है, पर उसके इंजन के डिज़ाइन को देखते हुए हाई RPM और KTM के क्लोज और KTM को देखते हुए 390 ड्यूक का एवरेज को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रायम 400 का एवरेज 25 के आसपास रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा। बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से चलाओगे तो शायद 30 की तरफ चला जाए, पर जनरली मुझे लगता नहीं आप चलाओगे, पर 25 के आसपास रहेगा उसका एवरेज। और यहाँ पे कंपनी कह रही है 35, और 13.5 लीटर का इसका टैंक है। अगर 30 का एवरेज भी दे रही है ये, तो आप लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 400 का आपकी रेंज होगी, विच इज़ गुड इनफ। ऑल्सो हार्ले हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हॉग्स नाम से, एंड वो ऑल ईयर, उनकी अगर वेबसाइट भी है हार्ले की वेबसाइट पे, वो ऑल ईयर अपने इवेंट्स करते रहते हैं, राइड्स करते रहते हैं, सो आप उसमें भी जुड़ सकते हो। पर उसमें जुड़ने से मैं ये बोलूँगा, जो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि हार्ले में भी ना बड़ा वो है लेवल्स की, जो महंगी वाली हार्ले चलाता है, जो ऑफिशियली हॉक्स की राइड्स होती हैं वहाँ पे, उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, जो सस्ते वाले होते हैं वो थोड़े से पीछे रहते हैं, थोड़ा बहुत ये चलता है वहाँ पे। पर देन अगेन, इफ़ यू हैव नो वन टू रोम अराउंड एंड यू नीड अ कम्युनिटी, सो देर इज़ अ कम्युनिटी। सो कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या देखते हो। एंड या सो ये भी एक चीज़ है, अगर आप हार्ले डेविडसन लेते हो तो उनकी एक कम्युनिटी बनी हुई है, विच इज़ ऑल्सो लाइक, और ऑल ओवर वर्ल्ड है, बट या ऑल्सो अगर हम शोरूम्स की बात करें, सो हार्ले के जो करंट शोरूम्स हैं, जो मैंने नेट पे पता किया, आई मे बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा, कि हार्ले के शोरूम्स ट्रायम्फ से ज़्यादा हैं अभी इंडिया में। और हार्ले एंड हीरोज़ आर प्लानिंग कि ये बाइक्स हीरो के सिलेक्टेड शोरूम से भी वो सेल करेंगे। सो हीरो का नेटवर्क तो अमेजिंग है ही, वहीं पर अगर हम ट्रायम्फ की बात करें तो वहाँ पर उनके पास बजाज है। अगर बजाज भी एग्री करता है, बजाज और उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है ट्रायम्फ की, कि बजाज के शोरूम से भी ट्रायम्फ को वो सेल ऑफ करेंगे, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि एट द एंड देखो क्या होता है, कि भले ही सस्ती बाइक निकाली हो दोनों कंपनी से, कि इंडिया में जनरली अगर कोई एक बाइक लेता है ना, तो ये ज़रूर देखता है कि भैया शोरूम कितनी दूर है, सर्विस कितनी दूर है, ठीक है। अगर कुछ एंथुजियास्ट होते हैं कि भाई जिनको ये बाइक लेनी है, यू नो, वो तो ले लेंगे, चाहे 100 किलोमीटर दूर भी सर्विस सेंटर होगा वो ले लेंगे, क्योंकि उनको ये बाइक चाहिए। पर जिन लोगों के लिए इन्होंने ये बाइक निकाली है, क्योंकि जो एक सस्ती बाइक निकाली है, मासेस के लिए निकाली है, मासेस में जो सोच यही होती है कि भैया सर्विस सेंटर कितनी दूर है, कल इसमें कोई दिक्कत आ गई तो मेरा पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मेरे को उसके लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा। सो ये दोनों चीज़ें भी हैं। अब इसमें बजाज और हीरो कैसे उसको क्रैक करते हैं कि यू नो, वो दोनों कंपनी के ऊपर है। पर हीरो का मैंने ये पढ़ा है कि वो अपने सिलेक्ट शोरूम से इसको सेल करेंगे। अब सिर्फ बेचेंगे, वहाँ सर्विस देंगे या नहीं देंगे, या आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि उसका मेरे को कहीं क्लियर कुछ पिक्चर नहीं मिला। पर ये चीज़ दोनों ब्रांड के साथ है, कि देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी ये बाइक चलाई नहीं है, जब चलाऊँगा तो इसका और रिव्यू बनाऊँगा आपके लिए। पर तब तक मैं बस यही बात कह सकता हूँ कि 440X से आप अपना सपना पूरा कर सकते हो हार्ले डेविडसन का। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कैसी हैं, ख़राब हैं, सही हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे पास हैं, काफ़ी है। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो।
थोड़ा सा अलग हटके वीडियो होता है। मैं जनरली बाइक के ज़्यादा स्पेक्स और उसके बारे में बात करता नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको हर जगह इन्फॉर्मेशन मिली जाती है। मैं जनरली उन स्पेक्स या उन बारे में बात करना चाहता हूँ जो जनरली लोग नहीं करते हैं और मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, शायद कुछ लोगों का उससे फ़ायदा हो। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। लव यू ऑल, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, जो करना है वो करो, पर ध्यान से, औरों को तंग नहीं करना। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।